छपरा शहर के नगर थाना अंतर्गत करीमचक मोहल्ला में बदमाशों ने एक छात्र को चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया। जख्मी छात्र करीमचक मोहल्ला निवासी अख्तर हुसैन का 14 वर्षीय पुत्र छोटू बाबू बताया गया है। घटना बीती रात्रि की बतलाई जा रही है। जख्मी छात्र के द्वारा बताया गया कि वह रात्रि में घर लौट रहा था, उसी बीच करीमचक कुरार के पास दो तीन युवकों के द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर उसके साथ गाली गलौज किया गया। मना करने पर उन लोगों ने कमर से चाकू निकालकर उसके पेट में और बाजू पर घोंप दिया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। कैसे क्या हुआ है, कैसे चाकू लगी है आपको? जैसे तो पिया हुआ था, बैठा हुआ था, तो हम लोग पढ़ने में से आ रहे थे लोग, तो आप तो गाली दे रहा था, कुछ बोल रहा था, तो हम बोले गाली मत दे। तो उतने में अंधेरा पड़ा ना, जैसे कि तो अंधेरा पड़ा तो निकाल कर चलाने लगा, तो हम पहले बच गए, फिर दूसरा बार मारा ना तो हाथ पे लगा और पेट में लग गया। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू वाला। हैं? छोटू वाला। पापा का नाम? अख्तर। घर? घर करीमचक कोड़ा।